क्वेश्चन दो बाबू। सो दो क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में वेक्टर में दिया था ना बनाने के लिए। चलो एक क्वेश्चन है, मैं बताता हूं तुम लोगों को। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। देखो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ओके। दो वेक्टर के जो रिजल्टेंट हैं वो ए पे परपेंडिकुलर है। अब गौर करने वाली बात है, मान लो मेरे पास ए है, ये ए वेक्टर है, और इसका ए और बी दो और बी वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट ए पे परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली सी बात है, जब तुम्हारा ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट होता, क्या होता? रिजल्टेंट भी एक्यूट पे होता। किस पे होता? अगर 90 डिग्री से कम होता है ए और बी के बीच का एंगल, तो ऑब्वियसली है कि तुम्हारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है, रिजल्टेंट जो जाता वो 60 डिग्री से तो कम एंगल पे जाता। अब ए की ओर जाए या बी की ओर जाए, 60 डिग्री से तो कम ही होगा। दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, रिजल्टेंट का एंगल, तो उससे कम ही होगा। ओके, अब बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो ए पे परपेंडिकुलर है। ए पे क्या है, यानी कि हम अभी बी नहीं बना रहे हैं, रिजल्टेंट ही बना देते हैं। ये रिजल्टेंट है, ये मैंने रिजल्टेंट बनाया, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। अब ये ए पे परपेंडिकुलर है, तुम्हारा ये ए है, ये परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली है कि बी इधर होगा कि इधर होगा, ऑब्ट्यूस एंगल पे होगा। अरे बी इधर होगा तो रिजल्टेंट बी से ना जाएगा। अरे ढोल, इधर कैसे बोलती है? बी इधर ना होगा, ऑब्वियसली है कि 90 से बड़े एंगल पे ही होगा, यानी कि ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, ऑब्वियसली है। और ऑप्शन में वो 30 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, ये तो दोनों कैंसिल कर दो पहले। माने ए और बी के बीच का जो एंगल है ये दोनों तो हो नहीं सकता, ये दोनों कैंसिल करो। क्या लॉजिक समझ आ रहा है? ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, सॉरी क्वेश्चन बोला है कि रिजल्टेंट ए और बी का जो है वो ए पर परपेंडिकुलर है। ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी के बीच का जो एंगल है वो 90 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो 90 कभी नहीं हो सकता है। ओके, तो ऑब्वियसली कि बी किधर जाएगा तुम्हारा? ठीक है जी, ये तुम्हारा बी है, क्या ये बी है। अब मुझे यही एंगल पता करना, अगर ये पता चल गया ये टोटल एंगल ए और बी के बीच का निकल जाएगा। ये तो तय है कि 90 से बड़ा एंगल है, इसमें कोई डाउट? अब इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे पास, बहुत सारे तरीके। एक और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दिया, एक इन्फॉर्मेशन ये कि ए और बी के बीच का जो रिजल्टेंट है वो ए पर परपेंडिकुलर है, और ये भी दे दिया है कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड का हाफ है। क्या बोल दिया है? तो सिंपल बात है, आर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी का आधा है, यानी बी बाई टू है। तो इसलिए मैंने इसको बड़ा बनाया है, इसको जानबूझ के मैंने छोटा बनाया, मुझे पता था। ठीक है, अब इतना आसान क्वेश्चन है सोच भी नहीं सकते हो, इतना लंबा तुम लोग बनाया हो ना, ये बच्ची फॉर्मूला लगाती वाला, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, है ना। पहले क्या किया, आर का वैल्यू बी बाई टू रखिए लड़के, ओके ठीक रखना ले लियो। पहला केस में वो 90 वाला केस कर दिया, 90 वाला, ओके 90 वाला केस करके वो, तो यहाँ पर से पहले बी निकालिए, कैसे कैसे करके वो लंबा का कर दिया, है ना। सो ये तो तरीका थोड़ा सा अजीब है, सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, ये सारा वेक्टर का काम कमाल होगा। ठीक है, सो देखो यहाँ बात नहीं करो, अब तुम्हारे पास क्या है कि तुम ये 90 पर तो है, इसका दो कंपोनेंट तोड़ दो, तो रिजल्टेंट किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, माने ये पॉइंट पर रिजल्टेंट इधर है। ओके, ये बी का दो कंपोनेंट तोड़ो, कितना कंपोनेंट तोड़ो? तोड़ो, इसको तुम कुछ बोल दो, इस एंगल को थीटा बोल दे क्या? दे बोल दे थीटा, इसको थीटा बोल दो या नीचे वाले को थीटा बोलो, कोई फर्क नहीं, हमको तो यही ना एंगल चाहिए, ए को बोल देता हूँ, और यहां से इसका दो कंपोनेंट तोड़ दो, तोड़ो, इस बी का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा, बी साइन, बताओ कौन बी कॉस थीटा होगा, नीचे वाला क्या होगा? बी कॉस थीटा, और ये क्या होगा? जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, इसलिए हम बोलते हैं गौर समझा करो, थीटा उधर है ना, उस थीटा के लिए ये हॉरिजॉन्टल का काम करेगा, ऐसे मैंने बोला थीटा टचिंग जो है कॉस से मल्टीप्लाई होता है, पता है कि नहीं है? हो गया, और ये बी बाई टू ऑलरेडी है, ये आर रिजल्टेंट है तुम्हारा। ऑब्वियसली सी बात है कि ये जो वेक्टर बी साइन थीटा है वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अरे रिजल्टेंट जब इधर जा रहा है, रिजल्टेंट इधर उधर तो ना जा रहा है, यानी ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को मारेगा, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तब तो रिजल्टेंट ऊपर होगा।
तो इस वेक्टर बी का दो कंपोनेंट है, एक बी साइन थीटा ए बराबर ई साइन थीटा, कैसे हुआ समझ आया? क्यों थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ होता तब कॉस होता, सो बी साइन थीटा ए के इक्वल है, तो ये इक्वल है ना, अपोजिट कैंसिल इच अदर, क्योंकि रिजल्टेंट किधर जा रहा है तुम्हारा, उधर जा रहा है, तो इधर तो ये इस कंपोनेंट का कोई लेना देना है नहीं, बच गया बताओ बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा जो तुम्हारा, ये तुम्हारा बी का दूसरा कंपोनेंट है, यही बी कॉस थीटा जो तुम्हारा है वो तुम्हारे रिजल्टेंट के बराबर होगा, और यही बी कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो रिजल्टेंट के, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड गिवन है बी बाई टू, बी से बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाय थीटा कितना 60 डिग्री, और ये 90 ऑलरेडी पता है, कितना देर में बन गया सवाल, देखिए समय भी नहीं लगा, हम तो मुंह से बता देते तुमको भाई, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये उसी बच्चा से बनेगा जो थोड़ा घर पे आकर सोचेगा बिचारेगा, तुम लोग के ढोल सबसे नहीं बनने वाला है, जो थोड़ा सा मौका मिलता है चले जाओ तो नीचे घूमने के लिए, जैसे लग रहा है बड़ा कमाल कर दिया 2 घंटा पड़ गए समझा, पहाड़ तोड़ दिया है चुट्टा, थोड़ा सा मौका मिलता है नीचे चला जाता है, बैठा रहता है, बैग खाली रहता है यहाँ पे, थोड़ा सा मौका मिलता है और निकल जाता है, अभी देखो तो हम 20 मिनट से छोड़े हुए हैं, 20 मिनट से घूम रहा है, बैठ कर रिविजन नहीं करेगा, खाली घूमता रहता है, उस बच्चे से सवाल से बनेगा वाला, इतना इजी क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन का कोई लेवल है, घूमता रहेगा, इन्हें कि थोड़ा सा डिस्कस कर ले साथी के साथ, पढ़ ले, समय बर्बाद करना है तुम लोग को, नोट करो इसको, अगर पीछे वेक्टर को रिवीजन करके आए हो तो इसको एक और तरीके से सोच सकते हो, लेकिन रिवीजन तो होगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि तुम लोग बहुत ब्रिलियंट बच्चा सब हो, ऐसे पढ़ लेते हो है ना, एक दिन पढ़ोगे एग्जाम करीब होगा, एक दिन पढ़ो कल एग्जाम होगा, आज पढ़ोगे मम्मी पापा को बोले वाह बहुत अच्छा बच्चा पढ़ा है, अब फिर रिजल्ट कम आएगा तो कहोगे हमारा तो नंबर काट लिया एग्जामिनर, रिवीजन करता नहीं है, जो मेरे देखा ट्राइंगल लॉ से बताता हूँ, ट्राइंगल लॉ कैसे बनता है, ये ए है, ये ए है, और जो ये ऑब्वियसली कि बी जो है वो ऑब्ट्यूस पे होगा, तो मैं इसको उठा करके यहाँ रख देते हैं, तो ट्राइंगल पे पहले ये रिजल्टेंट जो होगा वो किस पे होगा 90 पे ना, तो ये तुम्हारा हो गया बी, ऑब्वियसली ये ट्राइंगल लॉ पढ़े हो तो ये तो पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल है, तो रिजल्टेंट तो ये ना होगा, सो दिस इज बी बाई टू रिजल्टेंट है ये, ओके, और तुमको चाहिए ए और बी के बीच का एंगल, ये बी है, हमको ये एंगल चाहिए ए और बी के बीच का एंगल, को कहाँ पे होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा टेल टेल ज्वाइन होता है या हेड हेड, तो ये जो यहाँ पे हेड और टेल ज्वाइन है ये एंगल तो लेंगे नहीं, ये एंगल लेंगे, सो ये एंगल निकालना है मुझे, अगर ये एंगल पता चल जाए तो वो एंगल निकल जाएगा, तो ऑब्वियसली ये बी बाई टू है, ये क्या है बी बाई टू है, ये बी है, अरे बी है ना, अब तुमको ये बी बाई टू पता है, ये बी पता है, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, ये एंगल ना निकलेगा, परपेंडिकुलर अब हाइपोटेनस किस में आता है, कौन कौन सा में आता है बताओ, साइन में आता है, लगा लो साइन थीटा, देखो कितना देख करके हंसी आ जाएगी तुमको, साइन थीटा बाई परपेंडिकुलर बी बाई टू बाई बी, बी बी कैंसिल, कितना हो गया 1/2, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, अब ये 30 डिग्री आ गया ये वाला, तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि 180 है, घटा दो कितना जल्दी 150 डिग्री ऐसे भी आ गया, ये सब माइंड डेवलप कब तब करेगा ना, और खाली सपना लेकर चलो जी निकालना है, नीट लगाना है, कोई एनडीए निकालना है, फंडा ऐसे निकलता है नीट है जी ऐसे निकलता है, ये होली याद रख करके खाली मस्ती करने के लिए साइंस ले, तो समझो कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हो, इससे अच्छा है कि जो रोड पर जा करके एगो मोबाइल का दुकान खोल लो और वहाँ पर कमाओ, डेली 2000 रुपया कमाता है मोबाइल वाला सब, तुम्हारा भी ना काट देगा, इतना कमाता है 5000 या 10000 भी कमा लेता है, तो उससे भी अच्छा है कि जाके किसी हॉस्पिटल में जाकर कंपाउंडिंग कर लो, 10 रुपये कमा लेता है डेली, कमाओ जाकर के, यार बदनाम कर रहे हो तुम लोग साइंस को पढ़ के, इतना मेहनत से हम तुम लोग साइंस बता रहे हैं, तुम लोग मेहनत करो रिवीजन करो, मैंने इवन मैंने सबका असाइनमेंट भी दे दिया, दो लेक्चर का असाइनमेंट यूनिट डायमेंशन का मैंने दे दिया, केमिस्ट्री का दे दिया, उसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, लेकिन पढ़ोगे नहीं तुम लोग, हमको नहीं पता कि क्या बोलते बनाते होगे नहीं बनाते होगे, कहाँ से बनाओगे, तुम लोग बना के मजाक बना दिया पढ़ाई को, हम सबका अभी टेस्ट लेंगे, टेस्ट में एक बच्चा भी फेल कर हम सबको कान पट्टा करके लाल करके बाहर कर देंगे, किसी का कुछ ना सुनेंगे उसके बाद, हम बता रहे हैं तुमको, तब तुमको आकाश में आएगा तुमको, तर उसको सीकर मैथड फिगर उतारो, इतना मैथड जो मैंने बताया, मुझे शौक था कि 50 को मैथड बताना था, हाँ वो इसलिए बता रहे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि कई तरीके से तुम बना सको, लेकिन दिमाग तो है नहीं, दिमाग को बेच कर आए हो तुम लोग, देखो अब एक और क्वेश्चन है, वो तो और इजी क्वेश्चन, ये तो थोड़ा सोचना मिला था, जी एडवांस से पूछा हुआ एक क्वेश्चन, जी एडवांस का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो, वो भी नहीं सुना होगा,
क्या होता है जी एडवांस पता है? जी मेन के बाद अगला लेवल होता है, जो सबसे बड़ा लेवल, जो आईआईटी एडमिट कॉलेज में एडमिशन करवाता है, पता भी नहीं होगा, लेकिन वो तो पता नहीं करोगे, ये सब का डिसीजन नहीं करोगे, लेकिन डिसीजन का जिसका देखो ना, क्या बोलते हैं वो जो है गुरु रंधावा का एक नया गाना आया है, ओ यो यो इनसे गाना निकाला, ये सब पता बात करें, सब कुछ पता करेगा। इस पर टॉपिक पर डिसीज क्या करो, थोड़ा सा समझ में आएगा बात, ये सब पर तो बात करोगे नहीं, खाली गप मारोगे, अरे उधर वो लड़की उधर देख रही है, अरे वो लड़की उधर देख, ये सब करोगे और क्या करोगे, पीटी व्यवसाय पैदा होगा तुम्हारा जो खाली वही सब बात करेगा। साइंस लियो यार, साइंस के साथ थोड़ा सा इज्जत के साथ पेश आना पड़ेगा, साइंस बहुत इज्जत दिलाएगा, नहीं तो बहुत बेइज्जत भी करता है साइंस, समझो ना। लास्ट टाइम में एग्जाम खास से जो बच्चा सब जो सोच रहे हो कि हमको अच्छा एग्जाम दे देंगे, लास्ट टाइम में जब एग्जाम देंगे ट्वेल्थ के टाइम में जब तैयारी करने के लिए आओगे तो उस टाइम में तुम्हारा सारा पता औकात पता चल जाएगा तुमको। अभी से हम बोल रहे हैं कि मेहनत करो, अभी कुछ नहीं खत्म हुआ है, स्टार्टिंग है यार, कुछ नहीं पढ़े हो अभी तो स्टार्टिंग है, या तो साइंस बहुत आसान है या तो टफ है, अगर साइंस लिए मन लगा के पढ़ो, कोई एक्स्ट्रा कुछ बात नहीं, बस एक ही फोकस साइंस पढ़े तो लो पैसा लगे यार, तुम्हारे गार्जियन तुमको सोच के नहीं भेजे हैं, पैसा लगेगा बेचारे का, इतना इतना मेहनत से पैसा लगेगा, तुम्हारा टाइम लगेगा, टाइम सबसे बड़ी चीज़ है, वो कहाँ गया, नहीं पढ़ना है साइंस तो छोड़ दो, जाओ आराम से कोई काम करो, वो अच्छा है, ठीक है ना, टाइम वेस्ट मत करो अपना, थोड़ा मोड़ा ठीक है, चलो अटेंड कर लिए, थोड़ा सा घूम घाम ले, सर बोले थे 10 मिनट, अब भाई 15-20 मिनट गायब है बच्चा, बताओ पढ़ाई का मजाक बना दिया। साइंस वाले बच्चों का तो थोड़ा डिस्कस वाला प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डिस्कस करे टॉपिक भी डिस्कस करे। जी एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन का वेटेज समझ लो 5 मार्क्स होता है, ओके 4 मार्क्स से होता है, तो 4 मार्क्स कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, एक क्वेश्चन से रैंक का डिसाइड हो जाता है, समझो ना। ये क्वेश्चन है जी एडवांस का, क्वेश्चन का लेवल देखो कितना, लेकिन कंसेप्ट आने के बाद लेवल छोटा हो जाता है, कंसेप्ट न रहेगा तो गए काम से। देखो एक क्वेश्चन मैंने दूसरा दिया था, ये था, ये इतना आसान क्वेश्चन है कि एक फोर्स है, देखो जाओ आती, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ था, ये 30 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है 30 डिग्री दिया था ये, और ये फोर्स तुमको कितना क्या बोला है क्वेश्चन में हमको बता रहा हूँ, 60 न्यूटन, ये एक्स एक्सिस के अलोंग वाला दिया हुआ है, ये 60 न्यूटन दिया हुआ है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये फोर्स एफ है, इस एफ फोर्स का एक्स कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 60 न्यूटन दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तब बोला है इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालो और वो फोर्स भी निकालो, वो फोर्स नहीं पता है मुझे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे और आराम से हमको एफ निकल जाएगा, एफ निकलेगा तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या पड़ेगा बताओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या पड़ेगा, ये एफ एक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ ये पहले बताओ, एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस की जाओगे ना एंगल, एंगल कॉस 30 डिग्री, अब ये एफ एक्स गिवेन है, कितना दी गिवेन है, एफ रहने दो, कॉस 30 का लिखना होता है, यहाँ से एफ नहीं निकल गया 120/√3, सही है, डिसलाइज करो कितना हो गया, ये एफ निकल गया, सही गया कॉस एंगल ठीक था ना, ये 30 डिग्री था ना एंगल 30, ठीक है सही है सही है, सो ये तुम्हारा निकल गया 40√3, हाँ ठीक बड़ा है सर से, ये फोर्स निकल गया तुम्हारा, देखो कितना अच्छा से हर जगह हम लोग को फोर्स दिया रहता था, कंपोनेंट निकाल रहे थे, यहाँ पर कंपोनेंट दिया हुआ है, फोर्स निकल गया, फोर्स निकल गया तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी निकल जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालोगे, साइन लेकर के, चलो एफ वाई ऐसे लिख दो, एक्स ना लेकर हम तो कहेंगे पैरेलल लिख दो अच्छा लगता है, पैरेलल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, चलो इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं, बोलो एफ साइन थीटा, थीटा की जगह कितना लिखोगे 30 लोगे 60 नहीं कर देना धोखा से भी, 40√3 40√ साइन 30 का लिखना होता है काट दो 20√3, इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर दो, ये 60 आ जाएगा ऑब्वियसली, समझ आ गया, सो एक कंपोनेंट दिया हुआ है तो उसका नेट फोर्स भी रिजल्टेंट भी निकल जाएगा, दूसरा कंपोनेंट भी पता चल जाएगा, कितना इजी क्वेश्चन है, करो उसको